भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में सुलग रहा है। दरअसल छात्र नौकरी में आरक्षण को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। दिन पर दिन ये आंदोलन हिंसक होता जा रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बता दें कि अभी तक इस हिंसा में 39 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी लाठी डंडे और पत्थर लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। कई बसों और निजी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा इतनी उग्र हो गई कि बांग्लादेश के मुख्य सरकारी टीवी चैनल BTV के मुख्यालय में आग लगा दी गई। हिंसा के कारण बस, ट्रेन और मेट्रो सेवा ठप है। हिंसा पर काबू पाने के लिए हसीना सरकार ने इंटरनेट पर बैन लगा दिया है। स्कूल कॉलेज के साथ साथ मदरसों को भी अनिश्चितकाल तक के लिए बंद कर दिया गया। पूरे देश में सेना को मोर्चे पर उतार दिया गया है। बावजूद इसके हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस घटना पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश को संबोधित किया और देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की। PM हसीना के संबोधन के बाद हिंसा शांत होने की बजाय और उग्र हो गई। हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस ताबड़तोड़ रबड़ की गोलियां और आंसू गैस के गोले दाग रही है, जिससे कई लोग घायल हुए हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया कि बांग्लादेश के ताज़ा हालात को देखते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों और बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय छात्रों को यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। यहां तक कि सहायता के लिए भारतीय उच्चायोग ने 24 घंटे की सेवा वाले कुछ आपातकालीन संपर्क नंबर भी जारी किए हैं। बता दें कि बांग्लादेश में हर साल करीब 3000 सरकारी नौकरियां ही निकलती हैं, जिनके लिए करीब 4 लाख कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी छात्र सरकारी नौकरियों में कोटे को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा है। बता दें कि बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 30% सीटें 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले सेनानियों के लिए आरक्षित हैं, जिसे लेकर युवाओं में भारी आक्रोश है और इसी को समाप्त करने की मांग की जा रही है। हिंसा को लेकर बांग्लादेश की PM शेख हसीना की कार्यप्रणाली पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बाद वहां से भारतीय लोगों का पलायन शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यहां पर हिंसा भड़की है। आइए जानते हैं कि आखिरकार क्यों बांग्लादेश बीते कई दिनों से सुलग रहा है। बांग्लादेश में क्यों भड़की हिंसा? बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ और इसी साल में वहां पर 56% कोटा सिस्टम लागू हो गया था, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और 1% विकलांगों को दिया गया। इस हिसाब से सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण है। साल 2018 में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया था। लेकिन बीते महीने 5 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण लागू करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसे आरक्षण मिलता था, उसे फिर से उसी तरह लागू किया जाए। शेख हसीना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील भी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला बरकरार रखा, जिससे छात्र नाराज हो गए और लगातार पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं और आरक्षण को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि जो छात्र लगातार उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं। छात्रों की मांगे, आरक्षण 56% से घटाकर 10% किया जाए, योग्य उम्मीदवार नहीं मिले तो मेरिट लिस्ट से हो भर्ती, सभी उम्मीदवारों के लिए हो एक जैसी परीक्षा, उम्र समान हो, एक बार से ज्यादा नहीं हो आरक्षण का इस्तेमाल। इसी साल जनवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव हुआ था, जिसमें शेख हसीना ने चौथी बार भारी बहुमत से जीत हासिल की। चुनाव के बाद ये पहली बार है जब देश में इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि हसीना सरकार ने उन लोगों को आरक्षण दिया है जिनकी आमदनी ज्यादा है। आखिर में सवाल यही कि इस हिंसा में जो नुकसान हुआ है, जिनकी मौतें हुई हैं, इनका जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।